नमस्कार। आज हमारे साथ अच्छा जुड़ रहे हैं देहरादून से निशित जोशी जी। निशित जोशी जी पहले भी हमारे चैनल पर आते रहे हैं और देश के राजनीतिक मसलों पर अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर करते रहे हैं, अपने विचारों से अवगत कराते रहे हैं। लेकिन आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत हम लोग जुड़ रहे हैं और चूंकि मामला उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और उत्तराखंड की रग रग से वाकिफ हैं जोशी जी, लंबे समय से उत्तराखंड में हैं, वहां की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और साथ के साथ जो और भी गतिविधियां चलती रहती है दाएं बाएं की, उससे मुझे अक्सर अवगत कराते भी रहते हैं। और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, इस मुद्दे पर मुझसे लगभग 1 साल पहले जोशी जी बता चुके थे मुझे कि किस तरीके से उत्तराखंड में डेमोग्राफी और ये सब चीजें चेंज करने की साजिशें यहाँ पर रची जा रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक खबर मीडिया के माध्यम से और शायद आज तक ने इस पर एक स्टोरी चलाई है कि उत्तराखंड में बहुत सारी मजारें बनाई जा रही हैं, हजारों मजार बना दी गई हैं, अतिक्रमण किया जा रहा है। सर बताइए जरा, ये क्या मामला ताजा है और इसके पूर्व की जो चीजें हैं वो क्या हैं जो हम नहीं जानते? देखिए साहब, ऐसा है कि ये अभी तो फिलहाल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 2022 के आसपास एक ऑर्डर किया था, एक इंक्वायरी की थी, कहा कहा था ये मेरे ख्याल से जून के आसपास, कि उत्तराखंड में कितने ऐसे स्थान हैं जहां पे सरकारी जमीन पर किसी भी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धार्मिक बन रहे हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट लाई जाए। ये नौबत क्यों आई थी, इसको जरा सा बाद में आता हूं, पहले अभी ये आया है कि साहब 1,000 मजारे आई हैं, वो पांच जन ने भी लिखा, तो इंडिया टुडे में लिखा, मेरे ख्याल से आज तक में भी आया, और ये जी टीवी भी कह रहा है, ये तमाम लोग कह रहे हैं, लोग बैकग्राउंड पे जाए। मुझे याद है मेरे यहाँ एक रिपोर्टर होते हैं श्री गौरव मिश्रा, 2019 में मेरे पास आए, कहने के सर ऐसा है कि ये राजपुर रोड के इलाके में ऑल ऑफ अ सडन फंडिंग आ रही है कहीं विदेश से और जमीनें खरीदी जा रही है, और जमीनें मैक्सिमम जो है अल्पसंख्यक लोग खरीद रहे हैं, और उसको लेके कब्जे कब्जे की लोगों को धमकी दी जा रही है, किसी बड़े लोगों का मकान है उनको धमकाया जा रहा है। तो मैंने कहा इस पे इन्वेस्टिगेट कीजिए, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हमने पहली स्टोरी छापी कि किस तरह से यहाँ पे जमीनों पे कब्जा हो रहा है, डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। ये 2019 की बात, इधर 2021 में एक घटना और हो गई, टिहरी डैम जो है, टिहरी डैम प्रोजेक्ट 2009 के आसपास कंप्लीट हो गया था, इसको जेपी कंस्ट्रक्शन बना रही थी, अचानक 2021 जनवरी में एक कोई सना उल्ला ये कहते हैं कि साहब ये जगह थी, ये हमारी मस्जिद है, इसको हमको नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। कारण क्या था कि 2009 में जब जेपी कंस्ट्रक्शन मजदूरों को लेके आई थी तो उन्होंने एक टीन शेड बना दिया था, और उसमें लोग जो मुस्लिम थे वो नमाज भी पढ़ते थे, कंपनी चली गई, इनको छोड़ गई, ये कब्जा करने लग गए। इसको लेके वहां जनवरी 2021 में एक ऑर्डर हुआ इंक्वायरी का, इंक्वायरी दबी रही दबी रही, सितंबर 21 में ऑल ऑफ अ सडन जब वहां मस्जिद शेप लेने लगी तो बजरंग दल और तमाम विहिप हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया, तब जाके ये मेरे ख्याल से 29 जनवरी को सनाउल्ला ने लिखा था, 25 सितंबर तक कुछ नहीं हुआ, 30 सितंबर को वो हटा दिया गया वो ढांचा, क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे थे कि हमारी जमीन तो चली गई टीनी में डूब गई। इत्तेफाक यह है कि मेरा जो ससुराल पक्ष है उनकी पूरी जमीन टिहरी में डूब गई, क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष के लोग, मेरे मेरे वाइफ के जो दादा थे वो टिहरी नरेश के यहाँ राजपुरोहित हुआ करते थे, ये इनको कुमाऊं का पाटिया गांव वहां से उठा के ले आए थे टिहरी राजा, तो इससे वहां से हम लोग इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, जानकारियां जमा करते रहे, ये सब कांड चलता था। देखिए उस समय भी चुनाव आने वाला, अगर आप कहें कि जब ये मामला उठा है उसके बाद 2022 में चुनाव आने वाला, 21 में शुरुआत हो गई, जून में ऑर्डर हो गया, मामला दबा रहा दबा रहा दबा रहा, ऑल ऑफ अ सडन अभी जो मामला ब्लास्ट हुआ ऑल ऑफ की मजारों का, तो ये हुआ क्या था, ये उत्तराखंड
कुछ एक वन प्रभाग थे चकराता इलाके में, ये विकास नगर में। उन वन प्रभागों में जब ये अभी गैरसैंण में चल रहा था सत्र, तो लगभग 26 वो गिराए गए, 26 तोड़े गए आपके अवैध मजारे जो बनी, अच्छा वहां से ये मामला पकड़ने लगा जोर। ये मेरे ख्याल से 13 मार्च को ये गिराई गई थी, जिसमें मैं एक मिनट कागज में नोट है बता देता हूँ कौन कौन। कालसी वन प्रभाग में 7, लाडपुर में वन प्रभाग में 6 और रायपुर वन प्रभाग में 5 ये थे। और ये सब बरेलवी समुदाय के लोगों ने यहाँ बना रखा। यहाँ से धीरे धीरे मामला जोर पकड़ता रहा, जोर पकड़ता रहा, और अब ये मामला निकल के इस तरह आया। हम इस मामले को 2019 से लगातार कह रहे हैं। कारण क्या है? पूरे उत्तराखंड में हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप पिथौरागढ़ ले लीजिए, सीमांत इलाका है, नेपाल बॉर्डर चीन बॉर्डर, आबादी का संतुलन बिगड़ चुका है। आप नैनीताल के उधम सिंह नगर में चले जाइए, वहां यही स्थिति है। हल्द्वानी वाला किस्सा आपने सुना ही होगा कि कैसे पूरी की पूरी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरी की ये पूरी आबादी खत्म होने वाली थी वहां की तो। जी, मैं अभी देहरादून पे ही कंसंट्रेट करूंगा, तो देहरादून के कुछ इलाकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। देहरादून में भगत सिंह कॉलोनी है, आजाद नगर है, कारगी ग्रांट है, टर्नल रोड है, ये भारुआ ला ग्रांट है, मोहब्बे वाला है, निरंजनपुर है, ब्रह्मपुरी है, अधोई वाला है, शिमला बाईपास है, माजरा है, सेवला कला है, बुड्डी है, हरिपुर नवादा। हरिपुर नवादा, अरे साहब ये राजा नवादा का इलाका था, यहाँ पर्वती और ये रहते थे आपके, ये अरे साहब अभी याद आएगा, ये नेपाल के जो हमारे योद्धा होते हैं, गोरखा गोरखा, गोरखा रहते थे। लखीबाग है उधर, जैसे विकास नगर ऋषिकेश में ढकरानी है, खुशहालपुर है, गुमानी वाला है, आईडीपीएल है, बल्ला बुल्ला वाला है, झाबरा वाला है, तेली वाला है, बंजारा वाला है, कुड़ाना वाला है, जौली ग्रांट है, केशवपुर है, हसनपुर जाट वाला है, कुलाहल है, राय वाला है, सिद्धपुर है, अंबाड़ी है, राय वाला, सब जगह आबादी बदल गई। इवन हिंदू वाला, मेरी हिंदुओं की बस्ती खत्म हो गई, 90% आबादी जो है अल्पसंख्यकों की आ गई। कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, कौन बसा रहा है? और ये आप कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी। मैं सबसे पहले एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से आबादियां बसाई जा रही है, बस्तियां बसाई जा रही, जो काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसका खिलाफत कर रहे थे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, हालात फिर वही है। सामाजिक सद्भाव बनेगा कैसे, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। शायद शायद ये पक्का है कि पुष्कर सिंह धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के जिसने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है, और वो निदान देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के सामने जो भी मामला आ रहा है, नकल माफिया आया, उन्होंने ऐसा नकल कानून बना दिया कि पूरा हिंदुस्तान उसको वाह वाह कर रहा, नकल माफिया के खिलाफ आदमी ने काम किया। अब वो इस मामले को भी, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। वो हाँ, वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं, भाई हटा लो। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और हमारी बात भी हो रही थी शासन में भी, सरकार में भी, कभी कभी हमारी उनसे भी बात होती है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, तो पता ये चल रहा है कि जो मजारे बनाई गई हैं, एक ईंट रख दिया गया, रंग पोत दिया गया, और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे कब्जा होता चला गया, नीचे कुछ नहीं। आपको एक घटना बता रहा हूं, मैंने कब्जा होते कैसे देखा है। जरा हमको यूपी में जाना पड़ेगा, यूपी में प्रयाग राज जो है इलाहाबाद था, जहां मैं पला बड़ा हुआ हूँ, वो 2 मोहल्ले हैं, 12/14 कानपुर रोड और 5/9 क्लाइव, बीच में एक नाला पड़ा। ये नाले के बगल में एक जमीन थी, ये शाहजहां बेगम थी, उनको कोई अंग्रेज दे के गए थे, उनके हस्बैंड थे यासीन, उनकी वाइफ थी अनवरी बेगम, फिर ये थे आपके अयूब, इन सबकी प्रॉपर्टी थी। ऑल ऑफ अ सडन वहां पे एक मौलाना आके रहने लगे। कुछ दिनों बाद वहां एक मजार दिख गई,
मजार दिखी, और मजार थी वो मेरे ख्याल से, मैं नाम भी भूल रहा हूँ, इधर 30 साल, लगभग 30-35 साल पुरानी बात हो रही। उसके बाद ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी, महिला वीसी थी, उनका ये बयान आया था कि साहब आवाज आती है हमको, दिक्कत होती है, तेज आवाज आती है, तो मालूम पड़ा वहां मस्जिद बन चुकी, और इतनी बड़ी मस्जिद बन गई। तो ये शासन, लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन करता क्या है? ये सब उत्तराखंड में। परसों रात को 2:50 पे अचानक बहुत तेज हूटर की आवाज आई, मैं चौंक के उठ गया। अनाउंस होने लगा कि साहब अब उठ जाइए, क्या कीजिए। वो कह रहा है, और जगह जगह, गली गली मोहल्लों में आप जाएंगे, नदियों के किनारे जगह जगह छोटी छोटी मस्जिदें सब बनती चली जा रही। ये ला कौन रहा है? सवाल मेरा ये है हर्ष जी, कहीं ना कहीं बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ लोग हैं जो इस पे सियासत कर रहे हैं, और वही लोग सियासत करवा रहे हैं, और ये वेल प्लान्ड ढंग से हो रहा है उत्तराखंड में। असम के बाद उत्तराखंड को टारगेट बनाया। और मैं बताऊं आपको, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे असम के लोग हो, ये सब आके बसे हुए हैं। आप हमारे यहाँ इन इलाकों में तमाम कूड़े वगैरह वाले आते हैं, तमाम ऐसे लोग, जब चुनाव आएगा तो बड़ी आबादी यहां से चली जाएगी असम वोट करने। बसाने वालों में पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस के पीछे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पुलिस के लोगों के भी जेब में भर्ती होगी, तो सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता रहता है, सब इन्वॉल्व है। शासन आंख मूंदे बैठा रहता है, और जब कोई कड़ा एडमिनिस्ट्रेटर आता है या मुख्यमंत्री आता है, तब शासन की नींव टूटती है। 2021 में यहाँ डॉक्टर राकेश कुमार वॉज डीएम, उन्होंने इस बात को माना, उन्होंने नाम लिए थे कि इन इन इलाकों में आबादी बदल गई, बुरी तरह बदल गई। जन्मेजय खंडूरी वॉज SSP, उन्होंने भी माना। तब से अब तक किया क्या? शासन के लोग फाइलें दाब के बढ़ जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास इतनी समस्याएं आती, वहां तक बात ही नहीं पहुंचती। जब कोई मसला उठ खड़ा होता है, जब वो सीएम बोलता है, तो फिर उसकी पॉलिटिकलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें तमाम लोग जिनके अपने नैतिक, जिनके अपने निजी स्वार्थ हैं, वो गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं। वो ये रहा। दरअसल मुझे जो इस बारे में इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वो जैसे आपने असम का भी मुद्दा बताया, कुछ ऐसी और भी इलाके हैं खासतौर से जी जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे जो आबादी का संतुलन है, कहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, कहाँ हिंदू है। तो ये उत्तराखंड के बारे में तो एक जो अभी थॉट फिलहाल सामने आया है, जो सूत्रों से जानकारी आई है, वो ये है कि हर विधानसभा सीट पर 15-20 हजार मुस्लिम आबादी होनी चाहिए, ये टारगेट बनाया गया है। और वो मैं जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खुद बिलोंग करता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पता नहीं कितने लोग यहाँ जाकर बसे हैं जिन्होंने देहरादून में प्रॉपर्टी ली है, इनमें नाई हैं, बढ़ई हैं, इस तरह के काम करने वाले लोग हैं। काम तो उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने देहरादून में क्यों जाने का फैसला किया? क्या उन्हें वहां पर सपोर्ट मिली? क्या देहरादून की जमीन उत्तर प्रदेश से सस्ती है? ये सब चीजें इसमें सामने आई हैं सर। जी सर, आप सही कह रहे हैं। बार बार फेरी वाले, सब्जी वाले, फल वाले सब आके यहाँ बस गए, लगातार बसते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ एक फल मंडी है, निरंजनपुर फल मंडी, ये कभी 90% ये जगह हिंदुओं के पास होती थी, अब 75% दुकानें मुस्लिम से खरीदनी है। मैं अभी इस बार की नवरात्रि की बात बता रहा हूं, केला 80 से 120 रुपए दर्जन। बिल्कुल बिल्कुल और आप जरा सा बहस करोगे मंडी में जाके, बर्रे जैसे टूट पड़ते हैं, सबसे एक साथ जमा हो जाएंगे, आपके साथ साथ मारपीट करने में उतारू हो जाएंगे। अब मंडी का जो मंत्री है, जो भी मंत्री है, गणेश जोशी के मंत्री, वो क्या कर रहे हैं? मंडी समिति का अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, वो क्या कर रहा है? और इनकी इंस्पेक्टर्स हैं, और इसके पहले एक बार ऐसा मामला उठा था, तो ये कहा गया था कि हर ठेले पे रेट लिखे रहेंगे, कौन जाके चेक करता है? कोई नहीं करता। मैं जो सेव एक दिन पहले 160 रुपए में खरीदने पे मजबूर हुआ, क्योंकि घर वालों की डिमांड थी, मैंने उस फल वाले से बात की, तो बताने लगा साहब इसमें रमजान भी है, इसलिए और महंगा हो गया है। रमजान में वह अपनी सेव सेकंड खा थर्ड डे,
रमजान में कौन सेब खाता है, वो तो अरे मैदे की वो नहीं खाते नहीं वो उसने हैं। वो एक मुस्लिम व्यापारी था, उसका नाम भी मैंने पूछा, नाम नहीं ले रहा। हर डे वो 120 रुपये में बेच रहा था, खरीदने वाला नहीं था। तो इस तरह के टारगेट बना के जो लूट हो रही है, इसको कोई देख नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से इसकी शिकायत किसी एक सीएम कार्यालय से किसी ने इस जानकारी को यहाँ की डीएम को शेयर भी किया। और ये वो संडे संडे के दिन, मेरे ख्याल पिछले संडे को ये काम हुआ हो। यहां तक के जो जानकारी मेरी है, अभी हुआ क्या? Who's taking care? ये एक तो फल मंडी है, ऐसे ही यहाँ पलटन बाजार, पलटन बाजार की स्थिति भी वही हो गई है। कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, डर चिंता तो सताएगी। हम बड़े आराम से सोते थे इस देहरादून में, अब किसी समय होटल बज जाता है, किसी समय लाउडस्पीकर बज जाता है। हम नहीं कहते कि आप अपना धर्म का पालन न कीजिए, खूब कस के पालन कीजिए, लेकिन जो लाउडस्पीकर बजा रहे हैं, हुटर बजा रहे हैं, तुमने ठेका लिया है धर्म का, किसने तुमको ठेका दिया है? हम अपने घर, हम अपने यहाँ बैठ के आराम से ध्यान कर रहे हैं, आपने हल्ला चालू कर दिया। तो कोई हल्ला बोल चल रहा है क्या? और जो लोग धर्म का पालन नहीं कर सकते, इनको डंडा मार के कराओगे, जबरदस्ती करके कराओगे, और उनमें इतनी जागरूकता नहीं है, तो या तो घर घर जाके उनको जागरूक करो। ये धर्म आज से तो चल नहीं रहा, आज से 50 साल पहले भी था, तो अचानक तुम नए ठेकेदार कौन आ गए? ये वो लोग हैं जो ठेकेदार बने हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम इसमें अशराफ लोग हैं, अशराफ जिन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवीजन किया है और पसमांदा को शिकार बना है। बेचारे मारे पसमांदा जाते हैं, गरीब लोग हैं, जिन पे आप 80% जाके लोग संघ तो और वही, बीजेपी ने काम किया है। 80% लोग तो पसमांदा ही हैं मुसलमानों में, गरीब आदमी जिसको कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, उनको टारगेट बना रहे हैं ये लोग। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ के एसएसपी से है, यहाँ के डीएम से है, क्यों हूटर बजवा रहे हो, क्यों नहीं रुकवा रहे? अगर जिस थाने में काम हो रहा है, उस थाने वाले को सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? सहमति है तुम्हारी? मैं तो यही मान के चलूंगा सहमति है। जब सीएम का ऑर्डर है, यूपी सब यूपी में बंद कर दिया गया, आपके यहाँ भी बंद हो गया था, अचानक ये सब क्यों शुरू हो गया? सही बात है, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल सही आप बात। कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। मैं इसी बारे में पूछ रहा था कि इसके पीछे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसके पीछे थोड़ी सी वो, जैसे मैंने विधानसभाओं का जिक्र किया कि विधानसभाओं में जी जो जी जी जातीय सांप्रदायिक जो बैलेंस है, उसे बैलेंस तो गलत कहना शब्दों का, उसे डिसबैलेंस जिस तरह से उसे करने की कोशिश की जा रही है, ये भी इसके पीछे एक थॉट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पे नहीं, निश्चित तौर पे इसके पहले मैं जून 21 में एक कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं अनिल त्यागी जी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझको बुला लिया, तो मैंने यही यही बताया था कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा समस्या यही आने जा रही, आने वाले दिनों में डेमोग्राफिक बदलाव की। कारण है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, और जो हमारे चार धाम के तीर्थ हैं, वहां पे भी आपको हरी मस्जिदें दिखाई देने लग गई। तो और मैंने उस समय यह भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ये काम हो रहा है। और सबसे तकलीफ की बात यह है कि जो भी पावर में आता है वो बसा देता है। रिस्पना नदी है, बिंदाल नदी है, इन सब के मुहाने में लोग बस गए, कौन बसा रहा है? जब तक सत्ता का प्रोटेक्शन नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता। और पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री आया है, वो कह रहा किसी को भी गलत को प्रोटेक्शन नहीं दूंगा, ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना क्षेत्र के आधार। और जहां मैक्सिमम पर्वतीय आबादी थी, पर्वतीय आबादी खत्म हो गई है, सहारनपुर दिख रहा है, बिजनौर दिख रहा है, मुजफ्फरनगर दिख रहा है, मेरठ दिख रहा है, कहां चले गए वो लोग? किसने उनकी जमीनों को ले लिया? वो लोग फिर बेचारे नौकर बन के रह जाते हैं। क्यों नहीं सरकार कोई ऐसा कानून लेके आती जैसा हिमाचल में है? भूमि पुत्र को, सन ऑफ सॉइल को आप नौकर बना दोगे? तो यहाँ के जो भूमि पुत्र थे, देवभूमि के लोग थे, उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। कुछ लोग दिल्ली से चले चले आ रहे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट बना ले रहे हैं, यहाँ के लोग तो बेचारे फिर वही ठगे के ठगे रह जा रहे हैं।
सही बात है। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है साहब ये अभी, क्योंकि यहाँ आप मानिए चीन नेपाल बॉर्डर लगा हुआ है, ये पर्वतीय इलाका है, एकदम बॉर्डर इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, अगर अभी भी नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। जो आपको असम में दिख रहा है, जो बंगाल में दिख रहा है, एक दिन यहाँ वही होगा कि आप अपना रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल पाओगे, आप हनुमान जयंती नहीं मना पाओगे, क्योंकि हम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, तुमको कैसे मना देंगे, हु आर यू, तुम क्यों मनाओगे भाई, अब हम रहते हैं। या कुछ खास इलाके ऐसे होंगे वहां से आप गुजार ही नहीं पाओगे। अभी नहीं जा, अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी मैं जिन इलाकों के आपको नाम बताऊं उन इलाकों में हालात यही हो गए हैं। माजरा शिमला बाईपास से लेके, पहले इस्लाम स्थानीय मुस्लिम रहते थे, वो बुड्डी एक जगह बुड्डी, वहां पर 1994 में दंगा हो गया, वो दंगा काफी आगे तक फैला था, एक डिप्टी एसपी का सर भी फूट गया था, यही यही था, डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा था, लोग आके बस रहे थे उस इलाकों में, आप निकाल लो आज भी तो मैं जाऊं, वो पूरा शिमला बाईपास का इलाका, वो धर्मावाला तक, आप नहीं मेहू वाला से धर्मावाला तक देख लें, सेलाकुई से धर्मावाला डगरानी तक देख लें, ये सब इलाके बदल चुके हैं, आप नहीं ले जा सकते वहां से अपनी कोई, अगर ले जाए यात्रा निकाल दिए तो मैं जान जाऊं। तो ये कौन करा रहा है? देखिए मैं लोगों को नहीं, मैं तो बार बार मानता हूं सत्ता इन्वॉल्व होती है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल अभी सही। तक की सत्ताएं, अभी तक की सत्ताएं नारायण तिवारी से लेके त्रिवेंद्र सिंह रावत, चाहे वो, अब मैं नाम तमाम लोगों का भूल जाऊंगा, पता नहीं कौन कौन रहे हैं, हरीश रावत भी थे, ये सब बिल्कुल प्रोटेक्ट करते रहे, सही बात या है। फिर कुछ एक में साहस नहीं रहा, लोग क्या कहेंगे, हमारे हमारी छवि क्या बनेगी, अरे तुम्हारी छवि से बड़ी किस स्टेट की छवि है, अरे किस देवभूमि राज की है छवि है, ये, तो किस देवभूमि समाज की है, छवि है। देवभूमि की छवि बदल जाएगी। बिल्कुल देवभूमि को फिर क्या कहेंगे लोग, आप बताइए। देवभूमि इसलिए तो कहते हैं कि यहाँ हिंदुओं के सारे तीर्थ हैं इस क्षेत्र में। और कुछ साल पहले की बात मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर मसूद थे यूपी में, भूल गया पूरा नाम क्या था उनका, वो आरएलडी जी में भी रहे हैं, कई पार्टियों में रहे, और उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली थी। एक नाम पूरा बोल रहा हूँ, डॉक्टर मसूद तो था उनके नाम के साथ, बाकी मैं दूसरा बोल रहा हूँ। तो उनके साथ एक मियाँ जी हाँ मिले थे मुझे, एक बहुत साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ ये हरिद्वार के चेयरमैन है, नगर पालिका अध्यक्ष मुस्लिम हरिद्वार का। और वो कह रहे थे कि भाई वहां हाँ खूब दान हाँ पुण्य आता है, खूब टैक्स आता है, खूब वसूली है आप वहां पे, ये कह रहे थे उनसे जी सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई साहब, हरिद्वार तो आपका बहुत पुराना हिंदू स्थल है, हाँ पूरी आबादी का संतुलन बदल गया है, बिल्कुल। एक जगह चंद्रबनी, चंद्रबनी गौतम ऋषि की तपोस्थली थी, ये यहाँ पे गोरखा ज्यादा रहते थे, गोरखा, और ये इनका भी बदल गया है, पिट्ठू वाला का पूरा इलाका बदल गया है, आबादी संतुलन खत्म हो गया, नेहरू ग्राम उठा के देख रही है, रांझा वाला देख रही है, किद्दू वाला ले लीजिए, बाला वाला ले लीजिए, सहसपुर और विकास नगर हरबरपुर, इवन अभी तो आज मेरे एक साथी फोन करके बता रहे थे कि सिसवा नदी के किनारे मसूरी का जो इलाका है, बालोगंज का इलाका, लंडौर का इलाका, सेना सेना के क्षेत्र से लगा लगता हुआ है, लंडौर में सेना के क्षेत्र, वहां पे भी आबादी का संतुलन बदल गया है, कालसी में बदल गया, कालसी से उत्तरकाशी जाने वाले मार्ग में बदल गया है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, क्या कर रही है सरकारें, भू कानून लागू क्यों नहीं करते? तो इस बारे में अभी फिलहाल आपको लग क्या रहा है कि इसमें सरकार अभी चेती है, जो इतनी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं अभी हाल फिलहाल, अब नेशनल मीडिया ने इसे बहुत मुद्दे को उठा दिया है, तो क्या आपको अभी कुछ लगता है, कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, या सब ढुलमुल रवैया रहने वाला है इसी तरीके से? नहीं, मैं बता रहा हूं, पहली बार एक्शंस नजर आ रहे हैं, और ईमानदारी से एक्शन नजर आ रहा है। मैं इस मामले में, आप 100 में से 100 कहिए, 1000 में से 1000 कहिए, 1 लाख में से 1 लाख कहिए, उतने नंबर दूंगा, ईमानदारी से काम कर रहा है। आज ही मेरे को मैं कहूँ, मेरे साहबजादी मुझसे कह रहे थे कि ये समझदार पॉलिटिशियन लग रहा है, लगता है तुषार सिंह धामी, जो बोलता बहुत सोच समझ के है, एक्शन बहुत सोच समझ के ले रहा है, और ऐसे एक्शन ले रहा है ईमानदारी से देखा जाए तो किसी को भी उस पे
उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। वो वही कर रहा है जो कानून सम्मत है। और आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने शायद 2009 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था पूरे देश के लिए, ये पूरे देश पे लागू हुआ कि कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आप किसी भी सरकारी भूमि पे नहीं बना पाएंगे बिना अनुमति के, ये अवैध होगा। तो 1,000 मजाले अवैध कैसे आ गए? ऐसा मालूम इसमें असली जांच क्या होनी चाहिए कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, देखिए, कौन लोग कर रहे हैं। ये सब माइंड सेट है। योगी आदित्यनाथ जो है वो कोई आसमान से तो उतरे नहीं है, वो भी एक पॉलिटिशियन है, एक एक्सपीरियंस के साथ ही वो आगे गए हैं। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है, इसने भी बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर का जो अंदाज है काम करने का, उसे काफी हद तक बदला है। लोगों ने योगी आदित्यनाथ को देखा है काम करते हुए, और जो सफलता उन्होंने हासिल की है, चाहे जी वो माफियाओं के खिलाफ हो, चाहे वो बुलडोजर चलाए हो। अभी देखिए, आज की ही एक खबर है कि जो वहां के एलजी हैं, मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ऑर्डर दिए हैं घाटी के 10 जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्हें वहां डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, उनको आदेश दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि मंदिरों पर और गुरुद्वारों की जमीनों पर कितने अतिक्रमण हुए हैं। आज इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी है खबर। तो मुझे लगता है कि अच्छा, देखिए मुझे लगता है खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो किया करके नहीं, दिखाया है, उसका भी असर है, दबाव है दूसरों पे। हाँ, योगी योगी आदित्यनाथ हैं उधर, मेरे ख्याल से असम के जो सीएम है मिस्टर शर्मा, वो हेमंत बिस्वा शर्मा। भी हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। और मैं जहां तक धामी जी को जानता हूं, जब से मैंने धामी को भी देखा है कि वो बोलेंगे कम करेंगे ज्यादा। धामी के जो बहुत करीबी लोग हैं वो बताते हैं कि इनको समझना, तो हम जो बहुत करीबी मित्र है वो भी कहते हैं इनको समझना हमारा, हमको बड़ा मुश्किल है, ये कब क्या डिसीजन लेंगे। नहीं, असल में और अगर किसी मैं पॉलिटिशियन को आप समझ लेंगे ना, तो फिर तो आप उससे अपनी मनमानी कर लेंगे। जिस पॉलिटिशियन का परसेप्शन ये बन जाता है कि इसे समझना आसान नहीं है, तो उससे लोग घबराते हैं। अब योगी की एक बात बताऊं कि कल मैं खबर पढ़ रहा था कि जितने कमिश्नर्स हैं, डीएम्स हैं, एसएसपीज हैं, एसपी हैं, जिला परिषद के लोग हैं, इवन थानेदार हैं, एसडीएम से इस लेवल तक जिन्होंने उनकी नीतियों को, सरकार की नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया है, सबको नोटिस इश्यू हो गई है और सबके खिलाफ एक्शन होगा। अभी कल ही ये खबर ब्रेक हो रही थी, मैं देख रहा था, अगर ये काम उत्तराखंड में भी कर दे, हो सकता है इसकी तैयारी कर रहे हो क्योंकि तैयारियां चल रही, हो सकता है पुष्कर सिंह धामी ये काम भी कर दे, तो एक हफ्ते में पूरा उत्तराखंड का नक्शा बदल जाएगा। जो टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, धन कमा के इधर से उधर लगाने में लगे हुए हैं, वो सब सुधर जाएंगे। उत्तराखंड के कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो सिर्फ हाउ टू अर्न मनी, और कहाँ से आए और कहाँ से हम कहाँ कि, किनके थ्रू हम कहाँ इन्वेस्ट करें, उनके इन्वेस्टर्स भी हैं, कुछ होटल है जहां पे उनकी मीटिंग्स होती हैं, मैं नाम ले लूंगा तो हो सकता है सबूत जुटा लूं, तो उनको मैं आपके सामने भी सबूत भी दे दूंगा कि देखो ये यहाँ ये कुछ मीटिंग चल रहा। अगले सर ऐसा है, कुछ अगले एपिसोड के लिए बचा के रखिए। अभी तो आपकी बहुत सारी अरे स्टोरी आनी है। मुझे पता है कि आप लोग जो है हाँ, वहां पे बहुत धमाकेदार काम कर रहे हो आप लोग, तो अगले के लिए मैं यहाँ बचा। बता जी यहाँ एक अगले। बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं यहाँ हम लोग यहाँ पे नवोदय टाइम्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, ये पंजाब केसरी जलंधर समूह का अखबार है, और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा है कि कम से कम हमारे डायरेक्टर्स किसी दब खबर को लेकर कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये खबर छपनी है, नहीं रोकते नहीं। निश्चित तौर पे हमारे हर एक कंपनी के लिए एक बिजनेस का बिना उसके चल भी नहीं सकता, फिर भी आज तक ऐसा दबाव हमने महसूस नहीं किया, और दूसरे लोग पीछे जाते हैं, सही बात। ये सबसे। और दूसरा तीसरा, यहाँ के पत्रकारों ने फील्ड पे जाना बंद कर दिया है, वो तो सर कहीं के सबसे पत्रकार फील्ड में आंदोलन जाते, सब जगह यही हाल है अब तो। ऐसा जो मत कहिए। व्हाट्सएप वगैरह, सर नहीं बता रहा हूं मैं, दिल्ली में भी यही हाल है, यूपी में भी यही हाल है। अब फील्ड में तो बहुत कम लोग जाने लगे, सारी चीजें मोबाइल पे ऐसा ऐसा होने मत ऐसा मत ऐसा मत ऐसा मत कहिए कि मेरी पूरी टीम फील्ड पे जाती है, मैं खुद फील्ड पे जाता हूं, और मैं कहीं भी ऑटो से, मोटरसाइकिल से, कार से फोटोग्राफर के पीछे पहुंच के चेकिंग करने पहुंच जाता हूं कि है कि नहीं है बंदा। और अब हम लोग को एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी दे दिया गया है कि स्पॉट से स्टोरी फाइल करो,
आदमी तो सब सामने है, जा रहा है फील्ड में, जो नहीं जाते वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकारिता का लबादा ओढ़ के घुस आए हैं रोजी रोटी चलाने के लिए या दूसरे धंधे करने के। लेकिन असली पत्रकार आज भी जमीन के भी अंदर पैठ बनाए हुए हैं, तभी मैं आपको इतने जगहों के नाम बता पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है नहीं तो कैसे मैं बता पाता। बिल्कुल। तो तो हर्षित अब अगले एपिसोड के लिए कुछ बचा के रखिए, और सप्ताह भर के अंदर आपसे जी बात होगी, देखते हैं कि इसके बाद कैसे, जैसे आपने तो कह दिया पुष्कर सिंह धामी को जी बता दिया आपने कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या हो पाता है और किस तरीके से ये चीजें सामने आती हैं। और मुझे लगता है कि इसमें केंद्रीय स्तर पर भी, गृह मंत्रालय तक भी रिपोर्ट्स इसमें आज सुनने में आ रहा है कि तलब की जा रही हैं और फाइलें मंगवाई गई, जी तो देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है सामने। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।